खूब सारा हरा धनिया है, थोड़ा सा टुकड़ा नारियल का है, दो टमाटर, तीन हरी मिर्च, करी पत्ता, अदरक का टुकड़ा, इन सभी को हम एक मिक्सी जार में डालकर पीस लेते हैं। लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। लोहे की कढ़ाई में जो भी सब्जी बनाती हूँ बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी होता है। जीरा डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे, नारियल और हरा मसाला पीसा था ना तो उसे डाल देंगे। जब तक हमारे मसाला भून रहे हैं तब तक हम इसे खड़ा गरम मसाला देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 लौंग लिया है, दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली इलायची और 2 स्टार फूल के पत्ते हैं। तो इन्हें हम खलबट्टे में मोटा मोटा कूट लेते हैं। मसालों में से तेल निकलने लगे हैं तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, मिर्ची मैंने मसालों में पीसा है फिर भी मैं थोड़ा सा डालूंगी, लाल मिर्च का पाउडर। मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है तो 1 चम्मच हम बेसन डाल देंगे ग्रेवी को रिचनेस देने के लिए और गाढ़ापन देने के लिए। ज़्यादा नहीं डालेंगे, मेरी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं 1 ही चम्मच डाल रही हूँ। बेसन भी अच्छी तरह से भून चुका है तो जो मसाला हमने कूटा था ना खलबट्टे में उसे डाल देंगे। आपको जितनी ग्रेवी है उतनी उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये पानी चने और आलू को हमने उबाला था वही पानी है तो इसमें हम डाल देंगे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे कि कोई लम्स ना पड़े इसमें। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। ये देखिए इसमें कोई लम्स नहीं है, ये देखिए मक्खन जैसी ग्रेवी बनी है। अब इसमें हम नमक और हल्दी डाला हुआ उबले हुए आलू है और काबुली चना है। खट्टापन देने के लिए इमली का पानी डाल रही हूँ। काबुली चने का छोला हमारा बहुत ही बढ़िया और टेस्टी और खुशबूदार बना है और कम तेल में बनाया है और हमने इसे लोहे की कढ़ाई में बनाया है तो ऑलरेडी ये टेस्टी बन जाता है। तो इसे हम तुरंत ही गर्मा गर्म ही दूसरे पॉट में निकाल लेंगे। तो वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इसमें कोई गर्म मसाला और कोई भी कसूरी मेथी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है और बिना लहसुन प्याज का है तो ये अपने आप में ही बहुत ही टेस्टी हो जाता है।